लोकसभा चुनावों से पूर्व भाजपा के शुरू किए गए पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन के तहत हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का सम्मेलन 28 जनवरी को एनआईटी परिसर में होगा, जिसमें भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शिरकत कर पन्ना प्रमुखों को टिप्स देंगे। वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल सहित प्रदेश के सभी सांसद और विधायक शामिल रहेंगे। इसी कड़ी में हमीरपुर सर्किट हाउस में भाजपा जिला कोर कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने बैठक को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा की और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी कमेटियों का गठन किया। प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि 28 जनवरी को हमीरपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहा है, जबकि फरवरी माह के अंत में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के पन्ना प्रमुख कार्यक्रम पूरा करके बूथ स्तर पर पकड़ को मजबूत किया जाएगा। सत्ती ने दावा किया है कि बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख अहम भूमिका निभाते हुए भाजपा की जीत सुनिश्चित करेंगे और चारों की चारों सीटें एक बार फिर से भाजपा की झोली में डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मंडी से पन्ना प्रमुख सम्मेलन की शुरुआत की थी, मंडी पार्लियामेंट से। उसके बाद सोलन पार्लियामेंट का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारा हो गया है। उसके पश्चात अभी 28 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी हमीरपुर पार्लियामेंट के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हमीरपुर में पहुंच रहे हैं। इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी ने 38,000 पन्ना प्रमुखों को निमंत्रण देना है और अगले जो दिन बचते हैं उन दिनों में इस सारे कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज हमने ये जिला की मीटिंग की है मंडी की, इसकी हमीरपुर की। और इस मीटिंग में जो तय हुआ है कि हर विधानसभा क्षेत्र से जो भी 17 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र के हैं, पन्ना प्रमुख यहां पर पहुंचाए जाएंगे और इसका कार्यक्रम हमारा जो NIT का ग्राउंड है उस ग्राउंड में कार्यक्रम होगा। इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में जहाँ इस पार्लियामेंट के पन्ना प्रमुख आएंगे, वहीं पर हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के सभी सांसद, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी और जयराम जी जहां मुख्यमंत्री के रूम में और केंद्रीय मंत्री के रूम में आएंगे, हमारे सभी सांसद इसमें उपस्थित रहेंगे। ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारा संपन्न होगा। इसके बाद हम लोग कांगड़ा पार्लियामेंट का पन्ना प्रमुख सम्मेलन करेंगे। हमने फरवरी महीने में जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन समाप्त करने का निर्णय लिया था, तो जिस गति में हम लोग चल रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग फरवरी अंत में कांगड़ा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी कर देंगे। और इस पन्ना प्रमुख का मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए कार्यकर्ता बूथ के ऊपर डट जाए। हर बूथ के ऊपर 20, 30, 25, 35, 40 पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्लों में पार्टी का काम शुरू करें, ताकि पार्टी की चारों सीटें जीत करके हम फिर से नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाल सके और दिल्ली में फिर से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बने। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के हमीरपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर लगाए गए आरोपों पर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी सतपाल सत्ती ने पलटवार किया है और उल्टा नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों का आभार जताना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार अच्छे से काम कर रही है, जो कि कांग्रेस को चुभ रहा है। उन्होंने माना कि सरकार ने छात्रवर्दी में देरी की है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार करती रही है और अपने सीएम को बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर काटती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले एक वर्ष में सरकार ने जयराम जी के नेतृत्व में अनेकों नई योजनाएं शुरू की हैं जो धरातल के ऊपर पहुंची हैं। बहुत सी बातें जनता के ध्यान में हैं, वो चाहे लोगों को 70 वर्ष से ऊपर की उम्र में पेंशन लगाने का मामला हो, हर गृहिणी के घर में LPG गैस का कनेक्शन पहुंचे उसके लिए 38,000 लोगों को फ्री गैस के कनेक्शन देने का मामला हो, इसके साथ साथ अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की हैं। हाँ, एक आध जैसा उन्होंने बताया कि वर्दी का मामला है, मैं जो मानता हूँ उसमें कोई, मुकेश जी तो कई बार ये भी बोल देते हैं इसमें बहुत बड़ा घपला हो गया, जो खरीदी नहीं गई चीज़ उसमें वो घपला बता देते हैं। इसमें डिले जरूर हुआ है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ कि ये डिले हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो अच्छा हुआ उसका भी गुणगान मुकेश जी को करना चाहिए। वो लोग तो जब सत्ता में थे तो मुख्यमंत्री उस समय के वीरभद्र सिंह जी को
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से केसों में बचाने में लगे रहते, तो इसीलिए धन उग्राही का काम चला रहता था। पैसे इकट्ठे करो और दिल्ली में वकीलों को दो और उसके बाद मुख्यमंत्री जी की लाचारी का लाभ उठाओ और मजे लो, नंद लो, भ्रष्टाचार करो। ये धंधा था कांग्रेस का 5 वर्षों में। तो ये सरकार अच्छी चल रही है और सरकार बढ़िया चल रही है, जो कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। एक ईमानदार, जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार है और एक ईमानदार मुख्यमंत्री मेहनत करके 65 विधानसभा क्षेत्रों में 12 महीनों के अंदर पहुंचा है, ये भी मुकेश जी के और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ध्यान में होना चाहिए। और पार्टी बढ़िया काम कर रही है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और लोकसभा के चुनावों में अच्छा परिणाम जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से और नेताओं के तालमेल से हम लोग लेकर के आएंगे।